नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अजय मौर्य और स्वागत है आप लोगों का अजय सर जी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जैसे ही कुछ नए मित्र जुड़ जाते हैं चैनल से तो वह देखते हैं कि किस तरह का ये वीडियो बनाते हैं, तो कुछ न कुछ प्रश्न करते रहते हैं। तो आप ही लोगों के बीच से एक नवीन प्रश्न आया हुआ है कि सर, वैकेंसी जो आएगी अर्थात नए शिक्षक जब प्राइमरी शिक्षक ज्वाइन करेंगे तो उनको कितना सैलरी मिलेगा। तो आज के वीडियो में मैं पूरे विस्तार से बताऊंगा। साथ ही साथ ये भी कहना चाहता हूं कि जो लोग पहले से इस टॉपिक का वीडियो देख चुके हैं, जिसको मैंने बनाया भी था, अगर वो जानते हैं तब उनको देखने की आवश्यकता नहीं है। यह सिर्फ नए लोगों के लिए है कि जो कि अभी हाल ही में मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, तो उनको मैं आज के वीडियो में बताऊंगा कि नए शिक्षक कितना सैलरी पाते हैं, कितना एनपीएस कटता है, क्या क्या चीजें, कैसे कैसे सैलरी का निर्धारण होता है, ये सब चीजें विस्तार से मैं उनको बताऊंगा। तो यदि देखने के इच्छुक है तो वीडियो को देख सकते हैं, और यदि पहले से जानते हैं तो इसको देखने की आवश्यकता नहीं है। तो साथियों, यहां देख लीजिए, प्राथमिक शिक्षक भर्ती न्यू ज्वाइनिंग पर पेमेंट कितना। आपको बताना चाहता हूं कि जो प्राथमिक शिक्षकों की जो नौकरी है वह 4200 ग्रेड पे की नौकरी है। तो चलिए यहां सैलरी का निर्धारण करिए। बेसिक पे होता है 35400 रुपये और डीए वर्तमान में 31% मिल रहा है, लेकिन 3% की वृद्धि हो गई है जो कि जुलाई में मिलना प्रारंभ हो जाती है। तो यदि भर्ती आती है और ज्वाइनिंग होते होते जुलाई के आगे निकल जाएगी तो उस स्थिति में आपको पता है कि 34% के हिसाब से मिलेगा, तो 12036 रुपया हो गया या 1340 हो गया। टोटल जोड़ने पे आएगा 48776 रुपये, जिसमें जीआईएस की कटौती होती है जो कि बीमा की कटौती है 87 रुपये। इसको हम माइनस कर देते हैं, माइनस करने पे नेट सैलरी बन के आ रही है 48689 रुपये। यह नेट सैलरी बन रही है, अर्थात जब कभी शिक्षक भर्ती आएगी तो उस समय, और ये भी 2022 के अंदर की मैं बता रहा हूँ, 2023 अगर लागू हो गया तो इससे सैलरी और बढ़ जाएगी, तब मैं फिर वीडियो बना के बता दूंगा। यह 2022 तक के लिए है कि दिसंबर 2022 के पूर्व में कभी भी भर्ती आए और ज्वाइनिंग हो तो कितना मिलेगा, 48689 रुपये सैलरी मिलेगी। यहाँ देखिए, कुछ कटौती और होती है जिसको हम कहते हैं एनपीएस कटौती। यह स्वैच्छिक कटौती होती है, जो लोग कटवाते हैं तो उनका कटता है। तो एनपीएस क्या होता है, न्यू पेंशन स्कीम या नेशनल पेंशन स्कीम या नेशनल पेंशन सिस्टम। आपको बताना चाहता हूं कि पुरानी पेंशन योजना अब लागू नहीं है, वो 2005 अप्रैल 2005 से समाप्त कर दी गई है। तो इसी न्यू पेंशन स्कीम के तहत बेसिक पे और डीए का 10% काटा जाता है और 14% गवर्नमेंट भी देती है। तो 10% आपके सैलरी से कटेगा, 14% गवर्नमेंट देगी, वो पैसा आपके एनपीएस अकाउंट में जाएगा और उसी से आगे जा करके पेंशन निर्धारण होता है रिटायरमेंट के समय। तो यहाँ देखिए, 35400 और धन 12036 का 10% निकालेंगे, 10/100 करेंगे तो यहाँ देखिए 4744 रुपये हो जा रहा, जो कि प्रति माह कटेगा, एनपीएस में जाएगा। तो यहाँ देखिए, 48689 में से इतना घटा देंगे तो एनपीएस कटौती के बाद सैलरी 43945 रुपये। तो जो लोग एनपीएस कटवाएंगे 43945 रुपये पर मंथ पाएंगे, और जो एनपीएस नहीं कटवाएगा वह 48689 रुपये पर मंथ खाते में आएगा। तो अगर नेट सैलरी की बात करें, भले ये कट रहा है तो ये तो आपके अकाउंट में जाएगा, इसका तो आपको बेनिफिट मिलेगा ही। तो नेट सैलरी देखा जाए तो कितना है, 48689 रुपये। तो इसी साथ ये वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा, ऐसे यूजफुल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।